गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम घूमने के लिए जा रहे हैं बुदांग चार धाम। सो वहाँ पे एक बड़ा सा लेके उधर घूमने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, अभी हम पांडान से निकले तो ऊपर बुदांग धाम लेक पे जा रहे हैं। सो अभी हमको यहाँ से पांडान से 30 मिनट्स वैसे ही लगता। तो अभी आज का मौसम बहुत बढ़िया है, तो रास्ता भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस, अभी हम बुदांग गढ़ी जा रहे हैं घूमने के लिए। रास्ते में अभी बाइक से उतर कर हम ऊपर जा रहे हैं। सो गाइस, इस ऊपर में एक होम स्टे भी है। गाइस, ये होमस्टे के पास में ही है ये शेरपा हाउस। काफ़ी पुराना, बहुत पुराना साल से बना हुआ है। ये सिक्किम का ओल्डेस्ट होम भी बोला जाता है ये हाउस को। काफ़ी पुराना है। देखिए, ऐसा काट का बनाया हुआ है। सो गाइस, जा रहे हैं हम लोग बुदांग घूमने के लिए। काफी ऊंचा रास्ता है। ऊंचाई में चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं ऊपर। सो गाइस, अभी हम गढ़ी बुदांग पहुंच गए। तो यहाँ से काफी अच्छा नज़ारा दिख रहा है। सो इधर अभी हम दिख रहे हैं इधर पाक्यम एयरपोर्ट, जो काफ़ी ऊंचाई में स्थित है। इधर से अभी इधर का नज़ारा देखेंगे तो इधर मनसुन कमल कालिम्पोंग है। तो इधर भी वही है, कालिम्पोंग का डिस्ट्रिक्ट ही है। सो इधर से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है। सो इधर अभी हम घूमेंगे। जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है ये बुदांग गढ़ी जगह। ये घूमने के पिकनिक स्पॉट है, घूमने के लिए काफी अच्छा है। आप कभी भी इधर पांडम आओगे तो ये बुदांग गढ़ी मिस मत करना। ये गढ़ी मंदिर का सामने ही है और पाचक मंदिर के, गढ़ी मंदिर और पाचक मंदिर के बीचों बीच में बना हुआ है। सो इधर हमने रुका तो इधर देखा, इधर भैयाजी है। भैयाजी ने जंगल से ढूंढ के ये, इसको क्या बोला जाता है, चिम्पिंग ना, हाँ चिम्पिंग है, दवाई है ये, ऑर्गेनिक दवाई। ये जड़ी बूटी में काम आता है और साथ ही साथ निग्रो भी लेके आया हुआ है। सो अभी यहाँ पे
छोटा सा गुम्बा का जगह है। सो इधर अभी गुम्बा बनने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। सो इधर बुदांग में ये धाप पोखरी बोला जाता है। तो सो अभी हम धाप पोखरी पहुँच गए यहाँ पे। पहले तो इधर बौद्ध भगवान के अभी मत्था टेकते हैं और इधर से अंदर जाते हैं। तो सो गाइस अभी हम पहुंच गए गढ़ी चार धाम लेक है। सो अभी इधर दिख रहे पानी तो नहीं है, सूखा हुआ है, फिर भी हम इधर पहुंच गए। सो इधर अभी हम घूमेंगे। तो नहीं है ना, लग भी हो गया। अब इधर से पूजा करेंगे। सो अभी हम धाप पोखरी की। सो गाइस आप देख रहे हैं इधर धाप पोखरी। सो इधर पानी तो नहीं है, सूख गया है। पहले 1877 और 78 के बीच में इधर पानी बहुत होता था। तो इधर बहुत अच्छा जगह है, अभी टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा जंगल जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है। सो अभी इधर तो पोखरी तो नहीं है, पानी तो नहीं है। सो इधर अभी इधर का ही गाँव का लोग यहाँ पे फुटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। तो ये अभी काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में है हम लोग अभी। तो इधर ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, ये ऊँचे ऊँचे पहाड़ के बीच में बना हुआ था ये धाप पोखरी। अभी तो सूख गया है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे धाप पोखरी में घूम के निकल घर जा रहे हैं, निकल रहे हैं। सो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई समझ के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए और साथ साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए।